दिल्ली के स्पा सेंटरों में हुआ अश्लीलता का भंडाफोड़। पीएम के काफिले के लिए दिल्ली में लगा ट्रैफिक जाम। मुमरा में एक इमारत के मकान का गिरा स्लैब। डोंबिवली की केमिकल कंपनी में हुआ ब्लास्ट। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का चुनाव लड़ने का रास्ता हुआ साफ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली एचआर तेज खबर दिल्ली से है। दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल में महिला आयोग की टीम ने सर्वे किया, छापा मारा। पूरे मॉल में कितने स्पा सेंटर हैं वो देख करके आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली महिला आयोग की टीम ने यहाँ पर क्या सर्वे किया, क्या उन्होंने पाया, खुद महिला आयोग की एक सदस्य बता रही है। पूरा मामला देखिए हमारी इस खबर में। आज दिल्ली महिला आयोग की टीम क्रॉस रिवर मॉल पहुंची है। हम यहाँ पे ये डे स्पा में पहुंचे हैं, जहाँ पे अंदर जब हम गए तो साफ हमें दिखा है कि किस तरीके से बंद कमरे में नंगा करके लड़की उसके साथ आदमी के साथ पाई जा रही है। बहुत ही अश्लील हरकतें वहाँ चल रही हैं और ये भी देखने को आ रहा है कि सारे लड़के यहाँ मसाज कराने आते हैं और सिर्फ लड़कियाँ मसाज कर रही हैं। बंद कमरों में चटकनी लगा के नंगा करके किस प्रकार का यहाँ पे अश्लील हरकतें चल रही है, पूरी दिल्ली पुलिस को पता है। ये पूरा का पूरा मॉल है, इसमें आप चलिए यहाँ पे देखिए सारे स्पा, यू विन स्पा, जी बॉय स्पा, स्टार स्पा, मून शाइन स्पा, वहाँ पे माइल स्पा, पूरा का पूरा स्पा बना रखा है। ये मॉल कम और स्पा ज्यादा है और इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। अभी हम लोग स्पा में घुसे, पुलिस आई और पुलिस ने एक काम करी कि पूरे हर स्पा में जाकर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि दिल्ली महिला आयोग की टीम आ गई है, हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, यहाँ से लड़कियों को भगाया गया है, यहाँ से लड़कों को भगाया गया है। ये क्या चल रहा है? इन लोगों के पास एमसीडी का एक लाइसेंस भी है और ये लाइसेंस एमसीडी जब देती है तो क्या ये नोट नहीं करती कि किसको लाइसेंस दे रही है? सिर्फ लड़कियों के स्पा में सिर्फ लड़के आके मसाज करा रहे। अरे लड़कियां हैं तो लड़कियों को स्पा दे और लड़के हैं तो लड़कों को स्पा दे। बंद करके, चटकनी बंद करके उसके बाद स्पा चलाए जा रहे। हमारी दूसरी खबर भी दिल्ली से है। दिल्ली में मेट्रो पुल पर किस तरीके से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और ये ट्रैफिक जाम पीएम का काफिला निकलवाने के लिए लगाया गया, ऐसा वहां के आम लोगों का आरोप है। क्या कह रहे हैं लोग देखिए इस वीडियो में। ये देख सकते हो आप, भयंकर जाम लगा दिया है और ये मोदी साहब जब चलते हैं खुद तो खाली रोडों पे चलते हैं और यहाँ पब्लिक तंग है। अब देखते कौन देखेगा, मोदी सरकार जब चलते तो अपना रूट लगवा के चलते हैं। क्या गूंगे बहरे पब्लिक के बीच चल के देखो, पता चलेगी पब्लिक कितनी परेशानियां झेलता है। यहाँ देखो पब्लिक परेशान हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। किस लिए हो रही है? मोदी सरकार का तो रूट लग जाता है, ट्रैफिक पुलिस आके हटवा देती है, अब कौन हटाएगा? ये पब्लिक है आम, क्या इनका दर्द नहीं है? इन लोगों के चलान 100 रुपए के 5,000 के कर दिए, आखिर क्यों? ये अन्याय क्यों सभी के साथ? कानून एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, कोई मंत्री नहीं कोई सांसद नहीं, सबके लिए बराबर होना चाहिए। भाइयों क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग भी अपनी राय दो, 5,000 आप लोगों को ध्यान दो। जब आप रूट पे जाते हो वीआईपी रूट पे, वीआईपी मूवमेंट पे आप लोगों को रोका जाता है तो क्या आप लोग परेशान नहीं होते? मेरे 2 लाख फंस गया था, कोई हाँ एक घंटा खड़े रहे, क्यों वीआईपी आदमी से बनता है? आज पब्लिक के लिए आपके लिए खड़े हैं, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, हमारा साथ दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ आम पब्लिक साथ दे। ये पब्लिक के लिए, किसी के लिए नहीं है। अंधा ये अंधा कानून सिर्फ पब्लिक के लिए थोपा जाता है, क्यों? बैटरी वाली गाड़ियों में, मोदी जी से बोलो चलेंगे बैटरी वाली गाड़ी में, 5 लाख की गाड़ी 14 लाख में बिकवा रहे हैं। ये चोरी नहीं, कालाबाजारी नहीं, एक पोल्यूशन, दिल्ली में कहते हैं पोल्यूशन खत्म करो। पोल्यूशन किससे होता है? एक गाड़ी को बनाने में 10 साल का पोल्यूशन होता है, शायद आपको नहीं पता, हम जानते हैं इस चीज को। भैया नितिन गडकरी को भेजो जिसने ये कानून लागू किया, नितिन गडकरी को भेजो, नितिन गडकरी को। वीआईपी रूट लगता, पब्लिक तंग होती है, तब नहीं बोलते पब्लिक से, तब नहीं बोलते। पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है, एम्बुलेंस को लगवा के आए हम। ऐसा है, पब्लिक भी तो होती है भाई साहब। पूरी दिल्ली जाम होगी, पूरी दिल्ली, और होनी भी चाहिए। ये मोदी सरकार तो अपने तो गाड़ियों में बैठ के जाता है मंत्रियों के साथ, पुलिस फोर्स के साथ, ब्लैक कमांडो के साथ। ये पब्लिक की परेशानियां दिखनी चाहिए इस हरामजादे को। हमारी
तीसरी खबर मुमरा से है। मुमरा के अमृत नगर के इंशा नगर परिसर की जोहरा अपार्टमेंट इमारत के एक फ्लैट का आधी रात को जो है स्लैब गिर गया। ये दुर्घटना रविवार आधी रात को हुई और स्लैब गिरने से परिवार वाले सकते में आ गए। संयोग से कोई जख्मी नहीं हुआ, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट और मुमरा प्रभाग के कर्मचारी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। जोहरा अपार्टमेंट की हालत बाहर से भी कितनी ख़राब है वो भी देखिए, और स्लैब गिरने के बाद, स्लैब का पूरा हिस्सा सीलिंग के साथ गिरने के बाद क्या नज़ारा है इस घर का वो भी देखिए। हमारी चौथी खबर डोंबिवली से है। डोंबिवली के MIDC क्षेत्र में पैरोक्सीकेम नामक केमिकल कंपनी है, इसके रिएक्टर का विस्फोट होने के कारण इसमें आग लगी। आग का दूर का दृश्य हम आपको बता रहे हैं। इसमें सचिन देशमुख नामक 40 वर्षीय यहाँ का जो वर्कर था वो घायल हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग यानी फायर ब्रिगेड वगैरह ने जो है मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाना शुरू किया। हमारी पांचवी खबर ठाणे और मुंबई से है। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी मुंबई और अभी फिलहाल ठाणे पुलिस में कार्यरत एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने चुनाव लड़ने के लिए और उसी मंशा से अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। आखिरकार राज्य सरकार और गृह मंत्रालय ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है। वेंकटेश भट्ट जो गृह मंत्रालय के उप सचिव है, डेप्यूटी सेक्रेटरी है, उन्होंने उनका इस्तीफा मंजूर करने का पत्र 9 सितंबर को जारी कर दिया है। इस तरह से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के चुनावी अखाड़े में उतरने का रास्ता साफ हो गया है। अटकलें लगाई जा रही है कि प्रदीप शर्मा नाला सोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर अगर भाजपा शिवसेना की युति नहीं होती है तो वह अंधेरी से निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये थी आज की हमारी HR तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली HR तेज खबरों के साथ। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।